जो हेडिंग आज का, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस तरह से लिख दीजिए हेडिंग को, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यूज होती है उसमें, जैसे कल अपन एक डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज एनेंसियोमर्स, ठीक है, वापस एक एक एग्जांपल से करेंगे एनेंसियोमर्स। दूसरा टर्म्स होता बच्चों इसमें मेजो कंपाउंड्स, मेजो कंपाउंड्स लिस्ट बनाते जाइए आप, फिर वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे एनेंसियोमर्स, मेजो कंपाउंड, डायस्टीरियो, डायस्टीरियो आइसोमर्स या डायस्टीरियो आइसोमेरिज, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास में रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर एंड इट्स रिजोल्यूशन, मिक्सचर एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर, ये कुछ टर्म्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मोस्ट कॉमन यूज होती है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन इसमें से स्टूडेंट्स वन बाय वन टर्म्स डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं एनेंसियोमर्स की, जिसकी एनेंसियोमर्स, ओके, एनेंसियोमर को वापस एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वैसे अपन ने प्रीवियस लेक्चर में तो टर्म्स कौन कौन सी डिस्कस करेंगे अपन, एनेंसियोमर्स, मेसो कंपाउंड्स, डाइस्टीरियो आइसोमेरिज या आइसोमर्स, रेसेमिक मिक्सचर एंड रिजोल्यूशन और रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। तो एनेंसियोमर का एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, याद होगा आपको डेफिनेशन, रिकॉल करो प्रीवियस वीडियो से, एनेंसियोमर में क्या कहा था मैंने, यस डियर स्टूडेंट्स, व्हेन रियल इमेज, डेफिनेशन याद है ना आपको एनेंसियोमर्स की डेफिनेशन बच्चों, यस, क्या डेफिनेशन थी इनबॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से शॉर्ट में, यस, व्हाट इज डेफिनेशन क्या आई थी उसमें, क्या लिखा था, व्हेन रियल इमेज है ना, व्हेन रियल इमेज ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विल नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, विल नॉट सुपर इंपोज विद मिरर इमेज, अगर वो मिरर इमेज के जो है वो मिरर इमेज के साथ में सुपर इंपोज नहीं होती है, इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल है इसका सीधा सीधा ये मीनिंग निकलता है कि जो मॉलिक्यूल है वो आपका एसिमेट्रिक है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंपल्सरी कंडीशन है। तो सुपर इंपोज नहीं होना ही मॉलिक्यूल की एसिमेट्री को इंडिकेट करता है, ठीक है, इट मीन्स कि एसिमेट्री जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक कंपल्सरी कंडीशन है, कंपल्सरी कंडीशन है, इसीलिए ध्यान रखना है। अगर अपन ये कहते हैं कि नॉन सुपर, जो नॉट सुपर इंपोज को अपन कह सकते हैं, एक और टर्म यूज होती है जिसको कॉमनली कहते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। तो एनेंसियोमर के लिए अगर स्टेटमेंट्स में बहुत शॉर्ट में अगर अपन लिखा है वर्ड, तो अपन किसको टिक करेंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल है ना, नॉन सुपर इंपोजिबल, और नॉन सुपर इंपोजिबल किसको इंडिकेट करता है, एसिमेट्री, किसको इंडिकेट करेगा, एसिमेट्री इन मॉलिक्यूल, और एसिमेट्री को याद रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिमेट्री आपको पता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तीन हमने उसमें डिस्कस किया था, तो इसीलिए उसके अलावा जो भी होगा वो सारी एसिमेट्री होगी, और कायरलिटी भी आपकी जो है वो इसी एनेंसियोमर में इंक्लूड्स होती है, लेकिन कायरलिटी में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे तो फिर बाद में अपन इसको फाइनल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, यस। फिर हमने कहा एनेंसियोमर में जो भी आप कायरल सेंटर कार्बन लेंगे वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, ऑल सिंगल बॉन्ड्स और उससे सराउंडेड जो भी होंगे ए बी डी ई, ठीक है, तो A is not equals to B is not equals to D is not, ये सारे different atom या
ग्रुप ऑफ एटम्स होगा और इस वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिक रहेगा। सारे ग्रुप एटम डिफरेंट होते हैं तो इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं, और एसिमेट्रिक का सेंटर कार्बन काइरल हो जाता है, काइरलिटी, ठीक है। और इसकी अपन क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। ये तो होगी रियल इमेज, जो हमने ड्रॉ किया वो आपकी रियल इमेज हो गई। अब यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दीजिए और मिरर में जो आपको उसमें एग्जिबिट हो रहा है उसको आप इसके जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। तो मिरर में बच्चों ध्यान से देखेंगे तो बाकी तो आपका वर्टिकल तो एज इट इज, मेन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल देखने लायक होता है। हॉरिजॉन्टल में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये बी है ना, और ये आपका डी है, इसमें जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला डी यहां आ जाएगा और बी वहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को जब आप सुपर, तो इधर वाली जो बनी ये तो कहलाएगी रियल इमेज अपन ने लिख दिया, और इधर वाली कहलाएगी एम आई, यानी कि मिरर इमेज। और इन दोनों को विदाउट एनी रोटेशन, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों को अगर अपन आपस में ओवरलैप करें, इस स्ट्रक्चर को जैसे सेंटर कार्बन को सेंटर कार्बन पे रख दीजिए, तो देखो डी यहां आएगा, डी इसके ऊपर आएगा और बी जो होगा वो आपका यहां आएगा। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है उन्हीं टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर। इट मीन्स एनेंसियोमर आल्सो नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, तो रियल इमेज और मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही सिनोनिम से एनेंसियोमर्स, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर को ही अपन टेक्निकली एनेंसियोमर्स बोल। इसीलिए एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में अगर कोई टर्म आती है तो उस टर्म्स को इस पे ध्यान देंगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंसियोमर टर्म इसमें यूज करनी है। अब अपन को जैसे एक एग्जाम्पल तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने दिया था, कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। जैसे एमिनो एसिड ले लीजिए कोई भी, तो एमिनो एसिड भी जो आपके होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। एमिनो एसिड समझिए, एक ही कार्बन पे COOH और NH2, ठीक है, और एक H ले लीजिए और एक R, R means R की वैल्यू जो होगी मिथाइल इथाइल कोई भी ले सकते हैं। तो ये कोई एमिनो एसिड जैसे अपन ने लिया, तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में जैसे अपन ने एक्सेप्शन बताया था ग्लाइसिन, कौन सा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ही एमिनो एसिड बायोलॉजिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और उसको अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि ग्लाइसिन में यहाँ पे एच आ जाता है इसीलिए वो सिमेट्री डेवलप हो जाती है। अदरवाइज सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि बाकी सब में सेंटर एटम जो होगा वो काइरलिटी शो करेगा। ये आपकी रियल इमेज कहलाएगी एमिनो एसिड की, ठीक है। इसको लिख दीजिए रियल इमेज, तो ये आपकी होगी रियल इमेज ऑफ एमिनो एसिड। मिरर प्लेस कर दीजिए, और मिरर प्लेस करने के बाद में जब आप स्ट्रक्चर को दोबारा देखेंगे तो मिरर में जो आपको स्ट्रक्चर देखेगी, ये मिरर आप प्लेस करके भी देख सकते हैं, तो वो इस तरह का आएगा बच्चों, ठीक है। फिर इसको सुपर इम्पोज कराएंगे, इन दोनों को आपस में जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कराएंगे तो आपका एच जो होगा बच्चों, ठीक है, सॉरी अपोजिट दिखेगा स्टूडेंट्स, इसको अपोजिट करिएगा, एनएच टू यहां दिखेगा, है ना, एनएच टू इस साइड में लाइए, NH2 और H, ये मिरर इमेज अपोजिट बनती है हमेशा, ये बनेगी, ठीक है। अब इसको जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे आप, तो ये NH2 इस पे आएगा, सुपर इम्पोज में NH2 यहां आएगा और H आपका यहां आएगा, तो नॉन सुपर, ये आपको ऑटोमेटिकली NH2 H पे आ गया और H NH2 पे आ गया, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो जैसे ही नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है मिरर इमेज तो उसको बोलते हैं एनेंसियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो व्हेन, तो अपने डेफिनेशन में भी यही कहा, व्हेन रियल इमेज विल नॉट सुपरइंपोज विद विद मिरर इमेज, ठीक है। तो इसके लिए जो पॉपुलर टर्म है वो कहलाती है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, या उसको क्या बोलेंगे, एनेंसियोमर्स, ठीक है। एनेंसियोमर बहुत सिंप्लीफाई हो गया, अब आप डेफिनेशन याद भी रख सकते हैं। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट,
रिगार्डिंग एनेंसियोमर्स, तो उसके अंदर आंसर आपका राइट होगा कि इसमें व्हेन द रियल इमेज विल नॉट सुपरइंपोज विद मिरर इमेज इज कॉल्ड एनेंसियोमर्स एंड इटसेल्फ इंडिकेटिंग एसिमेट्री इन मॉलिक्यूल, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल टर्म्स जो है वो इसी रेस्पेक्ट में दी गई है कि आपका मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, ठीक है, इसीलिए एसिमेट नॉन सुपर इम्पोजिबल टर्म्स जो है वो आपके इस मॉलिक्यूल के एसिमेट्री होने की को टर्म्स को भी और काइनेटिक होने की टर्म्स को भी जो है वो प्रूव, बट एसिमेट्री श्योरली वो प्रूव करता है नॉन सुपर इम्पोजिबल टर्म्स। तो ये था बच्चों एनेंसियोमर। अब एनेंसियोमर के अंदर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरली सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मोलर मास सेम रहेगा। अब इसमें फिजिकल या केमिकल दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी के अंदर बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रैक्शनली बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, बट सम टाइम फिजिकली, क्योंकि बाकी तो फंक्शनल ग्रुप वगैरह सारे वही होते हैं, तो अलाइनमेंट की वजह से फिजिकल चेंजेस जो होते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में आपको डिफरेंसेस मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंसेस इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एनेंसियोमर्स। अब अपन नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर एक काइरल कार्बन के रेस्पेक्ट में आप उसकी मिरर इमेज बनाइए और उसके पॉसिबल आप ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसको नंबर ऑफ आइसोमर्स बोलेंगे, और पर्टिकुलर एक काइरल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा तो इसमें इनको अपन डीएल आइसोमर। तो एनेंसियोमर का एग्जांपल क्या है, स्मॉल डीएल आइसोमर, इस बात का ध्यान रखना है। कैपिटल डीएल मत लिखना, वो थ्योरेटिकल होता है जो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, स्मॉल डीएल, इनकी डेक्सो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, डेक्स्टर एंड लेवो, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। डेक्स्टर किसके लिए होता है, राइट के लिए, लेवो किसके लिए होता है, लेफ्ट के लिए, तो इसको बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। तो एक काइरल कार्बन जो है वो दो आइसोमर बनाता है, डी एंड एल। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक काइरल कार्बन है तो उसके दो आइसोमर कंसिडर करने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए, अब अपन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखें किस तरह का क्वेश्चन आएगा और क्या आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको अपन हटा दें, अब तो एनेंसियोमर का एक अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगली टर्म्स पे चलते हैं। उसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पे हाईलाइट किया जाता है। जनरली जो अभी तक के जो कॉम्पिटिशन में इसका क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पे हाईलाइट होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स किस तरह से होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बच्चों इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे आपको कोई मॉलिक्यूल्स देंगे और उस मॉलिक्यूल के अंदर CH3CH C2H5 ओके एंड CH डबल बॉन्ड CH3, ये कोई मॉलिक्यूल दिया मैंने आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इस मॉलिक्यूल को देखिए ध्यान से, यस इनबॉक्स में कोई बता सकता हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ऑप्शन ले लेते। तो यहां पर लिखिए हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स विल फॉर्म, इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, यस टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो IUPAC स्ट्रक्चर आ सकता है, IUPAC नेम हो सकता है, लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे चले जाइए, नंबरिंग डबल बॉन्ड से आएगी 1 2, ठीक है 3 4 5 6, कितने पे आ गया ये 4 पे, 3 4, तो 4 मिथाइल हेक्स 2-ईन हो जाए, ठीक है ये कंपाउंड का नाम हो गया। इसमें आपको ये पता करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, बच्चों ध्यान दीजिए जब स्टीरियो पूछते हैं तो ऑप्शन में बहुत ध्यान रखना है अपन को, स्टीरियो जब पूछते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखना चेन पोजिशन फंक्शनल मेटामेलिज्म टोटल ये इंक्लूड नहीं करना है। स्टीरियो का मतलब इसमें भी स्टीरियो में भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मोस्टली वो एक सेपरेट होता है जिसको अपन कंफर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, और उसमें आपकी क्योंकि वो तो वैसे ही इनफाइनाइट होता है कंफर्मेशनल शॉर्ट्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन जो एल्केन में होते हैं, तो पीछे रिमेन सिर्फ दो ही बचते हैं कंफिगरेशनल वाले जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर तो उसमें मोस्टली आपको जो टोटल जिसकी करनी है तो एक तो करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चे ऑप्शंस गलत कर देते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर, रीजन बीइंग कि वो उस टोटल में क्या इंक्लूड करे ये नहीं पता,
इसीलिए इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि या तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जितने होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स जितने होंगे उसकी टोटल जो होगी वो आपकी स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आप मीनिंग देखिए, फटाफट बताइए मेरे को क्या पॉसिबल हो सकता है। मैं ऑप्शन आपको दे दूं बच्चों, तो ऑप्शन ए आपके पास में हो जाएगा 4, ऑप्शन बी आपके पास हो जाएगा 6, ऑप्शन सी आपके पास हो जाएगा 0 और ऑप्शन डी आपके पास में हो जाएगा 2। यस डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से क्या पॉसिबल आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन गिवन कंपाउंड, यानी कि 4 मिथाइल है ना हेक्स 2 इन में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपको ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल की टोटल बतानी है। यस, कोई बताइए बच्चा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है इसका। यस डियर स्टूडेंट, जल्दी से टोटल बतानी है बच्चों, फास्ट हरी अब देखो यार जल्दी करो। यस, तो देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल देखना, तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशंस क्या होती है, डबल बॉन्ड क्या होगा, तो डबल बॉन्ड पे देख सकते हैं। इस डबल बॉन्ड पे ध्यान से देखिए, तो देखो दो तो एच आया, तो एच तो ऐसे चले जाएंगे, उस साइड में क्या सी एस थ्री, तो ये आपका सी एस थ्री, ये पूरा एक ही ग्रुप मान लो वाई थोड़ी देर के लिए, ये यहां आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम प्लेन में सिस और अपोजिट 180 पे घुमाएंगे तो ट्रांस, तो दो तो ज्योमेट्रिकल होंगे ही होंगे इस बॉन्ड की वजह से, तो दो ज्योमेट्रिकल बन गए सिस एंड ट्रांस, एक ज्योमेट्रिक आइसोमर आते ही दो तो मिनिमम होंगे। अब आ जाइए फिर दूसरा, इसमें ये चेक करो कि उसमें कायरलिटी है क्या, क्योंकि कायरलिटी या एसिमेट्री होगी तो फिर ऑप्टिकल भी बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये कार्बन देखो कायरल है, क्योंकि इस पे जो एच है इसको आप ऊपर लिख दीजिए तो आपको देखो कायरलिटी नजर आएगी। अब देखो चारों डिफरेंट है क्योंकि ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है इसके अंदर, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है, तो टोटल 2 हो गए। तो अब देखो आप ध्यान से, ये ग्रुप इसमें ये कायरल नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो ये पूरा एक ही ग्रुप है इस कार्बन के लिए, ठीक है। तो ये ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स हो गए, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स हो गए, तो ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स में डिफरेंट है ए बी डी ई, ठीक है, इसका मतलब ये कार्बन कायरल है और इसका मीनिंग सीधा सीधा निकलता है कि इसकी जो मिरर इमेज भी बनेगी और ये कार्बन आपको जो होगा वो डीएल आइसोमर देगा। तो डी एंड एल कितने आइसोमर हुए, 2, और ज्योमेट्रिकल आपको अभी बताई दिया था मैंने, सिस ज्योमेट्रिकल में क्या आएगा सिस एंड ट्रांस, तो ये भी कितने हुए 2, तो दोनों की टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ए, तो 4 ऑप्शन राइट, बिल्कुल ठीक है बच्चों, वेरी गुड, तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे आपको लैंग्वेज और प्लस आंसर के अंदर परफेक्शन लाना है, इस बात का पक्का ध्यान रखना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके आया हुआ है तो ये पैटर्न पकड़िएगा बच्चों, जो एक पक्का क्वेश्चन आता है एनएनसीओमर पे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर स्ट्रक्चर से भी आता है, इससे भी ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एनएनसीओमर से रिलेटेड जेई अप टू जेई नीट की प्रैक्टिस, आपकी क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं और आप कैसे इसका आंसर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब लिखो मेजो कंपाउंड, नेक्स्ट लीजिए मेजो कंपाउंड में किस तरह से आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजो कंपाउंड, या आपको एग्जांपल देकर के ये कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो मेजो कंपाउंड है। तो लिखिए बच्चों मेजो कंपाउंड, तो सेकेंड टर्म अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं अब, वो है मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड, यस। तो मेजो कंपाउंड का जो मीनिंग होगा बच्चों, ठीक है, मेजो कंपाउंड का जो मीनिंग होगा पहले समझिए, देखो फिर अपन टर्म्स डेफिनेशन अपन बढ़ाते। देखो सबसे पहले जो टार्ट्रिक एसिड आपने देखा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है वो टार्ट्रिक एसिड है, कौन सा है टार्ट्रिक एसिड। अब जरा फटाफट स्ट्रक्चर सोचिए टार्ट्रिक एसिड का स्टूडेंट्स, बहुत बार अपन ने किया इसको, और देखना आप बच्चों टार्ट्रिक एसिड के आगे हमेशा मेजो लिखा होता है, क्या लिखा होता है मेजो टार्ट्रिक एसिड, इट इज नॉट ओनली टार्ट्रिक एसिड व्हाई इट इज मेजो टार्ट्रिक एसिड। अब मेजो टार्ट्रिक एसिड जो क्यों आया वर्ड, जैसे मेजो कंपाउंड, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेजो कंपाउंड, तो मीनिंग देखिए, डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए इसका मीनिंग क्या निकला, जैसे आप एनएनसीओमर में करते हैं। तो देखो बच्चों टार्ट्रिक में टेट्रा वर्ड आ रहा, कौन सा, तो टेट्रा का सबसे पहले तो सीधा सीधा मीनिंग है कि आपको 4 कार्बन ड्रॉ करने, कितने
फोर यहां दिख रहा है बच्चों, लास्ट कार्बन देखो एक बार, यस करो इनबॉक्स में, कैन यू सी लास्ट कार्बन, या साइड में ले लीजिए, यस। तो बच्चों टेट्रा टार्ट्रिक एसिड का मतलब टेट्रा, ये आपका टेट्रा पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर मैंने ट्रिक बता रखी है इसमें, टार्ट्रिक एसिड वो होता है जिसके सिर में और पांव में कार्बोक्साइलिक एसिड होता है, ठीक है, और दोनों हैंड्स में OH ग्रुप होते हैं और दो हैंड से हाई करता हो, इसको बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। तो सिर में पांव में एसिड, दोनों हैंड्स, फोर हैंड्स होते हैं, टेट्रा है ना, बस फोर हैंड्स मानते हैं एसयूम के अंदर, और फोर हैंड्स में दो OH, दो हाथ में OH, और OH का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, और दो H हाई करने के लिए होते हैं ना, तो पार्टी के साथ में हाई करता है, तो ये टार्ट्रिक एसिड। अब इस टार्ट्रिक एसिड को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें मेजो कंपाउंड टर्म्स क्यों आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, जो रियल इमेज है, जैसे अपन ने कहा था इसमें सिमेट्री हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी मेजो कंपाउंड्स आता है तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट चेक करना है वो है प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये नाम दिया जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है, तभी वो मेजो में क्वालिफाई करता है। अब सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, उसमें थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं सिमेट्री चेक करने का। एक तो होता है कि हम उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखें, जैसे वाटर में होती है, याद है आपको वाटर में आपने सिखाया था, इससे जिस बच्चों ने देखा वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कहा था वाटर में होती है वो रोटेट कराएंगे 180 पे तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और बेंजीन में जब अपन ने बताया था तो हमने ये कहा था कि सेंटर से बेंजीन की रेजोनेंस की वजह से सारी डिस्टेंस इक्वल होती है, तो इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और लास्ट हमने कहा था कि इसमें एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, अल्फाबेट का एग्जाम्पल था, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर वो हाफ रियल हाफ इमेज अनदर रियल हाफ इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाती है तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, तो आपके टार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो जरा ध्यान से, अगर हम टार्ट्रिक एसिड की रियल इमेज को हाफ पार्ट में डिवाइड करें, ये देखो, तो ये रियल इमेज हो गई, तो इसको अपन हाफ कर देते हैं, तो ये ऊपर वाली हाफ रियल इमेज, नीचे वाली भी आपकी हाफ रियल इमेज हो गई। अब देखो इस टार्ट्रिक एसिड के हाफ पार्ट को उसके ऊपर सुपर इंपोज कर, तो कार्बन कार्बन पे आ जाएगा, OH OH पे आ जाएगा, H H पे और COH उस पे, यानी कि कंप्लीटली सुपर इंपोज हो रहा। लेकिन ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, एनएनसी उम्र में नॉन सुपर वर्ड आता, लेकिन वहां पे क्या है, रियल इमेज और मिरर इमेज की लड़ाई है, ठीक है, कॉम्पिटिशन है। और यहां पे क्या है, दो रियल इमेज के पार्ट में ही कंपटीशन है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, एनएनसीओमर में रियल मिरर इमेज का कंपैरिजन होता है, मेसो कंपाउंड में रियल रियल का ही कंपैरिजन होता है, मिरर इमेज पार्टिसिपेट नहीं करती इसमें, क्योंकि इसके ऑप्टिकल्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपस में ही कैंसिल कर देंगे। देखिए तो ये आ गया, तो क्या बोलेंगे, अब देखो मेसो कंपाउंड की डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मेसो कंपाउंड सिंपल सा हो जाएगा, व्हेन रियल हाफ इमेज, क्या बोलेंगे मेसो कंपाउंड्स में, when real half image will superimpose with another half image, या आप हैंड से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अपने हैंड्स मान लीजिए ये टार्ट्रिक एसिड ऐसे है, ऐसे अज्यूम कर लीजिए, तो अपने हैंड्स ऐसे, तो ये थोड़ा सा दूर किया तो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होने के बाद इसके ऊपर लाएंगे तो ये देखिए दोनों, तो अपना हाफ भी एक दूसरे के जो हाफ हाफ पार्ट में ले लिए और इनको ये कहलाता सुपर इम्पोज, कंप्लीटली सुपर इंपोजिबल हो गया, ठीक है। तो ये सुपर इंपोज फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाएगी। तो अब डेफिनेशन की बात करें तो अपन मेसो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो अपन इसमें लिखेंगे मेसो कंपाउंड्स में व्हेन रियल हाफ इमेज है ना, व्हेन रियल हाफ इमेज या हाफ पार्ट दोनों ही कह दीजिए, इमेज विल सुपर इंपोज will superimpose with another half real image, दोनों real के बीच में ही लड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पार्ट का, और ऐसा अगर होता है कि सुपर इंपोज हो गया, मैंने कहा था सुपर इंपोज का मतलब सिमेट्री, क्या होता है
सिमेट्री, अभी अपने एनेंसियोमर में भी डिस्कस किया था ना, नॉन सुपरइंपोजिबल यानी कि वो एसिमेट्री को इंडिकेट करता है, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। सुपरइंपोज का मतलब क्या होता है? सिमेट्री, और सिमेट्री कोई भी हो सकती है इनमें से, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, तो इसमें हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। क्या आ गई? तो टार्टरिक एसिड के अंदर बच्चों क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। और इसका क्या मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का? द हाफ पार्ट ऑफ रियल इमेज विल कंप्लीटली सुपर इम्पोज्ड विद अनदर हाफ पार्ट रियल इमेज, ठीक है, और उसी को अपन नाम देंगे। तो ऐसा अगर होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? मेजो कंपाउंड। तो इस टर्म्स को याद रखिएगा, ये टर्म आपकी परफेक्टली जो स्टेटमेंट होगा मेजो कंपाउंड्स के लिए, ये टर्म्स आनी चाहिए। यानी कि मेजो कंपाउंड्स में रियल रियल का ही कंपेरिजन होता है, इसमें मिरर इमेज का कंपेरिजन नहीं होता, ठीक है। तो अब जो इसका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो बनेगा जेई नीट का, वो ये होगा, व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब अगली टर्म्स जो इस टार्ट्रिक एसिड के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताओ इनबॉक्स में कौन बताएगा, टोटल नंबर ऑफ काइरल कार्बन कितने है? कल भी अपने साइड डिस्कस किया था, टार्ट्रिक एसिड में कितने टोटल नंबर ऑफ काइरल कंपाउंड है बच्चों, जल्दी बताइए, काइरल कार्बन, यस, हाउ मेनी काइरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी काइरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन टार्ट्रिक एसिड, जल्दी से इनबॉक्स में बताइए बच्चों, ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। देखो ये तो डबल बॉन्ड हो आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड हो गया, अब ये वाला देखिए, इस पे चारों डिफरेंट है, ये फोर सिंगल बॉन्ड और ऑल डिफरेंट, ये भी काइरल हो जाएगा क्योंकि वापस ये मॉलिक्यूल कहीं रिपीट नहीं हुआ, तो आंसर कितना राइट? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, टू, तो टू आंसर राइट हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो ये एक्सेप्शन केस आ गया, जनरली अपन क्या मान रहे थे कि काइरलिटी जिसमें होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यही कहते थे ना, तो इसीलिए अब काइरलिटी होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें सिमेट्री आ गई। क्या आ गई? सिमेट्री। कौन सी आई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब भी कोई सिमेट्री आ जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता कंपाउंड, कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। ये विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई नीट का रिटन एग्जाम सबके लिए, ठीक है। ऑप्टिकली तो आपसे पूछेंगे व्हाई टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई इट कंटेन टू काइरल। अभी तक तो अपन कहते हैं काइरल पे एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन देखो ये एक्सेप्शन आ गया, काइरल टार्ट्रिक एसिड के पास दो दो काइरल होते हुए भी बच्चों, टू काइरल होते हुए भी आपका जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसका ऑप्शन क्या राइट होगा? प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें ऑप्शन होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, तो ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन लिखा होगा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्या लिखा होगा? दूसरा ऑप्शन आपका लिखा होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड ऑप्शन आपका लिखा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और डी होगा नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। पहला कौन सा है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री, बी ऑप्शन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सी ऑप्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री, और डी ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, जल्दी से बताइए बच्चों इनबॉक्स में, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लेन रिगार्डिंग इन ऑप्टिकली इनएक्टिव के रेस्पेक्ट में, कि टार्ट्रिक एसिड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्यों है? तो उसका ऑप्शन राइट होगा प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एंड दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिमे बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्शन राइट होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं मेन फंक्शन, जैसे इसका फंक्शन को इस साइड में आया तो ये लाइट मान लीजिए यहां से आ रही थी, ये लाइट को ऐसे रोटेट कराएगा, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका जो हाफ पार्ट लाइट यहां से आती है ऐसे रोटेट कराएगा, और दोनों लाइट एक दूसरे के सामने आएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और जब लाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो लाइट जो है वो माइग्रेट कैसे करेगी, माइग्रेट करके डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी? तो इसीलिए टार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से दोनों साइड की जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में आके एक दूसरे से टकरा जाती है, और उसकी क्योंकि उसका ओएच भी उधर है, इसका ओएच भी इधर ही है,
ठीक है, तो दोनों लाइट को एक ही डायरेक्शन में एक्ट्रेट करेंगे तो लाइट का आपस में टकरा करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जैसे ही लाइट डिस्ट्रॉय होगी तो फिर डायरेक्शन का जजमेंट होगा ही नहीं उसके अंदर, तो रोटेशन ऑफ लाइट कैसे देखेंगे, तो डीएल कैसे बनेगा, इसीलिए इसके अंदर तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर नेचुरली जो टार्टरिक एसिड ऑब्टेंड होता है उसमें दोनों OH एक ही साइड में होते हैं, तो ये लाइट, अब चूंकि टार्टरिक एसिड नेचुरली ऐसे ऑब्टेंड हो रहा है तो उसका OH का, दोनों OH का अलाइनमेंट एक ही साइड में है, तो ये नेचर ने इनका अलाइनमेंट ऐसे ही किया। तो टार्टरिक एसिड जो हमको किसी लाइव सोर्स से मिलता प्लांट वगैरह से, तो जो भी जिससे भी अपन इसको ऑब्टेंड करना होता, तो हमको ये टार्टरिक एसिड का जो स्पेस अरेंजमेंट जिसको अपन स्टीरियो कहते हैं वो ऐसा ही मिलता नेचुरल। हम चाह करके भी इस OH को ऐसे नहीं लिख सकते नेचुरल वाले टार्टरिक एसिड्स का, क्योंकि नेचुरली ऐसे ही ऑब्टेंड होता है। तो होता ना कई बार किसी की हैबिट होती है तो कहता नहीं यार मैं तो शुरू से ऐसे ही हूं, तो ये क्या है कि उसकी बचपन से ही वही हैबिट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो नेचुरल टार्टरिक एसिड ऑब्टेंड होता है उसके दोनों OH, इसीलिए इसके लिए एक और वेरी पॉपुलर टर्म्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है तो इसकी जगह बहुत लिख नोट करिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता प्लेन ऑफ से नहीं लिखा बाई चांस, तो उसका दूसरा कारण है स्पेस अरेंजमेंट के हिसाब से इसको बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, तो चूंकि लाइट दोनों OH एक ही डायरेक्शन में लाते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है इसकी। कैसी? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर्स में जो किसी मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म्स यूज होती है इंटरनल कंपनसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, नोट कर लीजिए, ये भी ऑप्शन में आया था कि इसमें राइट क्या होगा, ठीक है, तो इसीलिए अगर ये सब नहीं है तो ऑप्शन एक दूसरा भी आया हुआ, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो लिखो इसमें टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए टेक्निकल टर्म्स जो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल, जैसे होता है ना कई बार प्रॉब्लम्स होती है तो उसको बोलते हैं, यहां होगा इंटरनल कंपनसेशन, क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन, जो स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स होती है, अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स है, इस वजह से लाइट दोनों डायरेक्शन से आकर के एक ही डायरेक्शन में आ जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चर, और प्रॉब्लम की जो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, अलाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। तो अब हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपसे पूछेंगे व्हाई टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या, why tartaric acid is optically inactive while it contain two chirality, अगर उसमें दो दो काइरल है फिर तो हो जाए, लैक्टिक एसिड में एक काइरल है फिर भी वो देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टार्टरिक को तो बहुत अच्छा ऑप्टिकल एक्टिविटी, दो डीएल इसके बन जाते, दो डीएल इसके बन जाते, टोटल कितने हो जाते, 4 आइसोमर्स हो जाते ना, लेकिन ऑप्शन राइट होता है 0, क्या राइट होता है, तो एक अलग क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड इन टार्टरिक एसिड में, टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर राइट होंगे, तो आंसर बच्चों 0 राइट होता है, कितना 0, क्योंकि इसमें जब कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, तो इस टार्टरिक एसिड के लिए ये भी याद रख लीजिए जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला ऑप्शन राइट होगा वो 0 राइट होगा, काइरल पूछे तो 2 राइट होंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या इसमें क्या है, इंटरनल कंपनसेशन है। तो अगर ऑप्शन में ये आता है कि व्हाई टार्टरिक एसिड इज, तो उसमें एक तो लिखा आएगा आपका इंटरनल कंपनसेशन, दूसरा लिखा आएगा एक्सटर्नल, ये अपन रेसमिक मिक्सचर के लिए यूज करेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन, सी आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप देखो इसमें कहीं पे भी बच्चों आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख के नहीं दिया, नन ऑफ अबव, ऐसे केस में अपन को ध्यान रखना है ऑप्शन में जो चीज आपने याद कर रखी, आपने क्या वन वे याद किया, आपको ये ध्यान रखा कि ऑप्शन में हमेशा ये मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम उसको टिक कर देंगे, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ध्यान रखिए बच्चों अपन को हर रेस्पेक्ट में देखना है उस चीज को कि इसमें इंटरनल कंपनसेशन जो हो रहा है उसमें देखो इंटरनल कम, ऑप्शन ए हमारी, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाई टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्वेश्चन क्या है, व्हाई टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, व्हाई इट कंटेन टू काइरल, ठीक है, तो उसका आंसर में अगर ये ऑप्शन में नहीं आया प्लेन ऑफ सिमेट्री तो फिर ऑप्शन देखो इंटरनल कंपनसेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कंपनसेशन, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, तो बच्चों अब जो ऑप्शन राइट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इंटरनल कंपनसेशन, ऐसा नहीं कि आप
ये कोई प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला वर्ड कोई टिक करे, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री टार्ट्रिक एसिड में नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री बेंजीन में होती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन को बहुत ध्यान से जज करना। क्वेश्चन इजी होता है बट सिली मिस्टेक्स हो जाती है। वो सिली मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि हमने उसको सराउंडेड में जितने पॉसिबल डायरेक्शंस थे वो सारे याद रखने हैं। हाउ मेनी टोटल आइस, अब एक जो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कहा था, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट इन या फॉर्म्ड बाय टार्ट्रिक एसिड, बताइए क्या आंसर राइट होगा। अगर आपसे ये पूछ ले टार्ट्रिक एसिड में टोटल है ना, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स विल फॉर्म्ड इन टार्ट्रिक एसिड, टीए का मतलब टार्ट्रिक एसिड, ठीक है टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन देखिए बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो आपको मिलेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऑप्शन भी दे दिया, सॉरी मुझे आंसर दे दिया, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6। यस, क्या ऑप्शन राइट होगा? जल्दी सोचिए, दो कायरल है, एक कायरल दो टीएल बनाता है, तो दो कायरल कितने बनाएंगे जल्दी सोचो। नो, क्योंकि मैंने कहा था अभी सिमेट्री वाला केस आ गया ना, तो उसमें कायरल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अब, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्री आ गई, ए सिमेट्रिक होना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट होगा टार्ट्रिक एसिड के लिए। इसके जीरो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसीलिए टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आप ध्यान से देखिए इस पे जो पॉसिबल, ये सारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली और आने की पॉसिबिलिटी भी है इनकी, तो इसमें देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है आप दिमाग लगाइएगा इसके अंदर क्या ऑप्शन राइट हो सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि व्हाट आर द क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर किसी कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो कायरलिटी तो फेल हो गई, देखो कुछ एक्सेप्शन आ गए कायरलिटी के अंदर, तो मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी दूंगा जिसमें कायरल नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर दी कंपल्सरी कंडीशंस है ना, व्हाट आर दी, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट आर दी कंपल्सरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंपल्सरी कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए किस तरह के होगा, ऑप्शन ए सिमेट्री, क्या उनमें सिमेट्री होनी चाहिए, ऑप्शन बी ए सिमेट्री, ऑप्शन सी कायरलिटी मतलब वही कायरल कार्बन होगा कायरलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव लिख देते हैं, ठीक है ऑल ऑफ अबव। Yes, अब बोलिए बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे। अब आप ध्यान रखिए, व्हाट आर द कंपल्सरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या ऑप्शन राइट किया है, बी, कुछ बच्चों ने बी बोल, यस, तो ये ध्यान रखना क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि भाई कायरलिटी होगी, तभी आपने देखा टार्ट्रिक एसिड में दो दो कायरल फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो क्या जरूरी है एसिमेट्री, कायरलिटी में टार्ट्रिक एसिड में क्या आ गई थी याद है आपको, सिमेट्री आ गई थी, कौन सी वाली, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए कायरलिटी कंपल्सरी कंडीशन नहीं हो सकती, कायरलिटी कंपल्सरी कंडीशन नहीं होती बच्चों, एसिमेट्री कंपल्सरी कंडीशन होती। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, फेनिक एसिड लिखिए, फेनिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जीरो कायरल है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, फेनिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको ये दो बेंजीन बना दीजिए, सब देखो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले बाईफिनाइल बनाइए, देखो ऐसे बाईफिनाइल तो आपको आता ही है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने देखा है बाईफिनाइल कैसे बनता है ना, यस याद है ना, आरएक्स एरोमेटिक फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग में तो टॉल्यून हो जाएगा, फिर ओनली फिटिंग में हमेशा बाईफिनाइल बनता है, और इसमें जो ऑर्थो पोजिशन है दोनों की, ये ऑर्थो को बार डैश बॉन्ड शो कर दीजिए, इस साइड में आप लगाइए COOH, तो दूसरे वाले का अपोजिट में लगाइए COOH, और दूसरा जो ऑर्थो वैकेंट है इस पे NO2 ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है NO2 नाइट्रो,
एक ऑर्थो पे COH, एक ऑर्थो पे नाइट्रो। ये देखिए बच्चों कंपाउंड, इसको बोलते हैं फेनिक एसिड। IUPAC इसका जो भी होगा, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो फेनिक एसिड है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, फेनिक एसिड इसका कॉमन नेम। अब ध्यान से देखो बच्चों, बेंजीन है, तो बेंजीन का कोई कार्बन काइरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? और अपन ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही कह रखा, ऑल फोर सिंगल बॉन्ड तो पहली कंपलसरी कंडीशन है, और बेंजीन में तो बच्चों हर जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसीलिए बेंजीन में काइरल कार्बन हमेशा जीरो होते हैं। तो जीरो हो गया, और COH का काइरल वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली जब आप देखोगे तो उसमें डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो देखो ये काइरल नहीं है, और बेंजीन इटसेल्फ पहले से ही काइरल नहीं है। इसका मतलब कितने काइरल हो फेनिक एसिड में? जीरो। तो इस वक्त फेनिक एसिड के पास एक भी काइरल कार्बन नहीं है, यानी कि जीरो काइरल। तो पहला क्वेश्चन इसका ये बन सकता है इसमें कंपटीशन के अंदर, हाउ मेनी काइरल कार्बन इज प्रेजेंट इन फेनिक एसिड, हाउ मेनी काइरल कार्बन प्रेजेंट इन बेंजीन। तो ऑप्शन हमेशा जीरो राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? जीरो ऑप्शन राइट करिएगा, इसका पक्का ध्यान रखना है। अब देखो फेनिक एसिड के अंदर फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? यहां जो सबसे फेनिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जैसे कैरेल नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसकी क्या वजह है? तो फेनिक एसिड इज, जबकि टार्टरिक एसिड के पास दो दो काइरल होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसकी क्या वजह है? तो वही अपन को दो ही चीजें देखनी होती, या तो काइरलिटी, और काइरलिटी के बाद में हम सिमेट्री चेक करते हैं। तो इसमें देखो, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, कौन सी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखें इस कंपाउंड्स के अंदर, तो इक्वली टू में डिवाइड हो रहा है, टू में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इस हाफ पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करिए, बेंजीन को बेंजीन पे फोल्ड करेंगे, लेकिन नाइट्रो किस पे जाएगा? COH पे, और इसका COH किस पे जाएगा? नाइट्रो पे। तो वर्ड क्या आया? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या आंसर राइट आया? नॉन। तो इसका जो हाफ रियल इमेज है वो दूसरी हाफ रियल इमेज के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए हाफ रियल इमेज, तो इसमें लिख देंगे हाफ रियल इमेज, इसीलिए मेजो कंपाउंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेजो के लिए क्या जरूरी होता है कि हाफ रियल इमेज दूसरी हाफ रियल इमेज पे कंप्लीटली सुपर इंपोज होनी चाहिए। वो एग्जांपल आपने अभी टार्टरिक एसिड में देख ही लिया है ना। तो हाफ रियल इमेज इसमें लिख दीजिए, हाफ रियल इमेज विल नॉट, हाफ रियल इमेज विल नॉट सुपर इंपोज, नॉट सुपर इंपोज With another half real image, with another half real, so it is not meso compound। एक तो ये है ना, meso होने के लिए क्या जरूरी है? Plane of symmetry, है ना, half half को real superimpose करता तो meso compounds होंगे। यहां ये phenic acid meso compounds भी नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें chiral zero है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका रीजन है एसिमेट्री। क्या है? क्योंकि जो सुपर इंपोज नहीं होते बच्चों वो मॉलिक्यूल, तो इसमें भी अगर ऑप्शन आता, अगर ऑप्शन को चेंज कर दे कि फेनिक एसिड, इसी क्वेश्चन कहते हैं फेनिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो वाई? ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन इसी में अगर अपन मॉडिफाई करें, तो इस क्वेश्चन का अगर मॉडिफिकेशन देखें तो यह आ जाएगा, फेनिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वाई या रीजन है ना, क्वेश्चन मार्क। आपका फेनिक एसिड जो है वो इस स्ट्रक्चर आप देख ही रहे साइड में, इसमें से अब ये फेनिक एसिड जो है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्यों है? तो ऑप्शन हमने वही रखे हैं, बस आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए क्या ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए सिमेट्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन इनबॉक्स में बताइए है सिमेट्री, ए सिमेट्री, ऑप्शन सी काइरलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यस बच्चों, विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट रिगार्डिंग फेनिक एसिड? इट्स ए सुपर डुपर एक्सेप्शन। काइरलिटी जीरो है तो ये तो हो ही नहीं सकता, सिमेट्री होगा तो वैसे ही इसके अंदर आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो अगर कह रहा ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं,
और कायरलिटी ऑलरेडी जीरो, ये ऑप्शन भी गया, तो पीछे क्या बचा, एसिमेट्री। और एसिमेट्री क्यों है, क्योंकि रियल हाफ इमेज जो है वो दूसरी रियल, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है इसके अंदर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस मॉलिक्यूल इज ऑटोमेटिकली एसिमेट्रिक। और जो एसिमेट्रिक होते हैं उनकी मिरर इमेज भी बनेगी, है ना, इसीलिए फैनिक एसिड में जब आप मिरर प्लेस करेंगे तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो एक अगर डी ए डी आइसोमर है तो मिरर इमेज वाला कौन सा होगा, एल, और अगर ये एल है तो वो डी, इसीलिए फैनिक एसिड के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, टू, ऑप्शन राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें यह भी हो सकता, हाउ मेनी टोटल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमर विल फॉर्म इन फैनिक एसिड, फैनिक एसिड में टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। यस बच्चों, तो क्या ऑप्शन राइट करिएगा जल्दी से बताइए इनबॉक्स में, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर विल बी फॉर्म्ड इन फैनिक एसिड, तो आंसर राइट होगा टू, डी एल, ध्यान रखिएगा। और टार्ट्रिक में क्या आंसर राइट होगा, जीरो, है ना, क्योंकि उसमें तो सिमेट्री, हाँ बिल्कुल ठीक है, टू ऑप्शन डी एल आइसोमर, टू ऑप्शन राइट हो जाए, बिल्कुल। तो ये आपके मेसो कंपाउंड और उससे रिलेटेड एक्सेप्शन, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, सारे बता दिए मैंने आपको, जो जो प्रीवियस ईयर में और आगे आ सकते हैं उसके ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमर वाला, जहां से हर साल वन और टू क्वेश्चंस 100% आते हैं बच्चों, इसीलिए इसमें परफेक्शन रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे चूज करेंगे ऑप्शंस को, और ऑप्शन में मोस्ट करेक्ट, जैसे कायरलिटी और एसिमेट्री दोनों प्रेजेंट है, तो अपन को किस कौन सा राइट करना है, एसिमेट्री। तो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन टफ नहीं होता, प्रॉब्लम है कि मोस्ट करेक्ट तक आप कैसे अप्रोच करें, रीजनिंग सही अप्रोच पे जानी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कायरलिटी कैसे करनी है, मीजो कंपाउंड्स होते हुए दो ऑप्शन आ सकते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से दो ऑप्शन आ सकते हैं बच्चों, यस, कौन से दो ऑप्शन आ सकते हैं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा आ सकता, वो नहीं लिखा है तो इंटरनल कंपनसेशन लिखा आएगा। तो आपके पास ये सारे सिनोनिम्स होने चाहिए कि अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो उसका दूसरा क्या वर्जन होगा, तो वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इंटरनल कंपन, तो नेचुरली जो अलाइनमेंट्स होते हैं उसमें आप खुद रोटेट नहीं करा सकते, जैसे दो OH एक ही साइड में, तो आप रोटेट, वो फिर आर्टिफिशियल टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, जो लेबोरेटरी सिंथेसाइज हो सकता है उसको तो अपन ऑप्टिकली एक्टिव कर सकते, नेचर से तो जो नेचर का तो जो स्टीरियो अलाइनमेंट है वो ही रहेगा, और वो नेचर अपन को ऑप्टिकली इनएक्टिव टार्ट्रिक एसिड देती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि दोनों OH एक ही साइड में होते हैं तो लाइट एक ही जगह जाकर के कोलाइड हो जाती है, तो उसमें रोटेशन ऑफ लाइट आएगा ही नहीं, भले ही उसमें कायरलिटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप भी सोच सकते हैं, मेसो कंपाउंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जैसे टार्ट्रिक एसिड की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब खुद भी क्रिएट कर सकते, और ऐसे ही क्वेश्चन तो बन के आते हैं आपके कॉम्पिटिशन के अंदर। देखो, आप टार्ट्रिक एसिड को आपने क्या कहा, मेसो कंपाउंड, तो और क्या मेसो कंपाउंड हो सकते हैं, तो आप कंपाउंड खुद क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो एच एच, अब आप खुद देखो इसमें बच्चों, मैं इस कंपाउंड को नया बना सकता हूं ना, यहां CH3 लिख दूं, क्या लिख दूं, CH3, तो देखो ये एग्जाम्पल क्रिएट हो गया, तो बताइए ये भी तो मेसो कंपाउंड, तो ऐसा इसीलिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे OH OH H, तो बताओ ये भी मेसो हो गया, भली वो IUPC नाम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ, और IUPC में आप देखेंगे जैसे नंबरिंग करके वर्ड में भी लिखा आ सकता है ये कंपाउंड मेसो होगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये मेसो होगा क्योंकि इसमें भी हाफ पार्ट रियल इमेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे OH क्यों, आप BR लगा दो, क्या लगा दो, BR, तो आप मेसो खुद क्रिएट कर सकते हैं, बस वो हाफ पार्ट में ले लीजिए, ये CH3, यहाँ दोनों जगह ब्रोमो लगा दीजिए, ठीक है। और इन कंपाउंड में ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, हाउ मेनी काइरल कार्बन, उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो मेसो जितने भी होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसो, कायरलिटी तो बल्कि कितनी जितनी अवेलेबल है वो अभी तो 2 है सब में, वो हो जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर में आंसर 0 राइट होगा, क्योंकि इन सब में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये देखो क्वेश्चन आपके सामने खुद क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप और कोई CHO लगा दीजिए, कौन से लगा दीजिए, CHO BR की जगह क्लोरो लगा दीजिए, ठीक है। कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के, आप देखिए, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड, तो क्वेश्चन क्रिएटिव आता है, तो क्रिएटिव में क्या होगा, जो आपकी थीम है उस थीम के बेस पे तो बनेगा,
बस फंक्शनल ग्रुप्स अलग हो जाएंगे, उसमें हाफ जो है वो रियल इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो जानी चाहिए। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स क्रिएट करना या सोचना है जिसका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट से मैच होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज अगर आपको सीख लेंगे, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, तो ये चीज जो सीख लेंगे कि मेसो कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है, तो उस केस में बच्चों ये आप खुद एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप खुद एग्जांपल्स में थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो आपको ऑप्शन चूज करना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए कंपटीशन टफ नहीं होता बच्चों, आप उसमें क्रिएटिव सोचना होता है आपको, क्योंकि आप एग्जांपल रट के नहीं रख सकते कि मेरे टार्टरिक एसिड मेरे को रटा हुआ यही एग्जांपल्स आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। हेलो बच्चों, हेलो वॉचिंग, यस यस ओके। तो ये इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब ये था कितने भी क्रिएट हो सकते हैं, थीम यही, कंसेप्ट यही यूज होगा। इसीलिए कॉम्पिटिशन में हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आता है लेकिन कंसेप्ट वही लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको आईओपीएससी नाम आएगा, नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी, नेम से स्ट्रक्चर भी आना जरूरी है, क्योंकि वर्ड में लिख देंगे। जैसे मान लो ये मेसो कंपाउंड्स वाला है बच्चों, तो इसके डायरेक्टली आपको सीधा सीधा ये कह देंगे, डियर स्टूडेंट्स यस आइसोमर, यस आइसोमर। हाँ अब इसमें टोटल आइसोमर्स की बात करेंगे तो उसमें अलग, जो ऑप्टिकल पूछेंगे तो ऑप्टिकल तो इसमें सीधे सीधा जीरो हो जाएगा, डीएल का जीरो हो जाएगा बेटा सबके अंदर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल होगा नहीं क्योंकि इसमें साइकिल ना साइकिल है ना डबल बॉन्ड्स है, तो सीधा सीधा जीरो आंसर राइट हो जाएगा। आपका स्टीरियो आइसोमर्स में जीरो आंसर राइट हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए बच्चों, ये वाला जो अब मान लो स्ट्रक्चर नहीं दिया तो आपको आईओपीएससी दी जाएगी, तो आपसे सीधा कहेंगे ये कितना हो गया ब्यूट, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन 2.3, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2.3 डाइऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। अब देखो आपने सब कुछ सीख लिया, सारे आपने लेफ्ट राइट सारी स्ट्रगल देख लिया इंटरनल कंपनसेशन तक, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपने अगर स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं की, कौन सी, नेम टू स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं की, तो इतनी सारी सीखी हुई चीज, मान लीजिए ऑप्शन वर्ड में अब आपको स्ट्रक्चर नहीं आए तो अगला कंसेप्ट कैसे काम आएगा, है ना। इसीलिए आप कोई भी डायरेक्शन में वीकनेस तो रख ही नहीं सकते बच्चों। कॉम्पिटिशन की सबसे पहली कंडीशन यही है कि वॉट एवर यू कंसेप्ट लर्न दैट मस्ट बी 100% परफेक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये कहीं नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या सारे क्वेश्चन सारा इतना सारा मैटर, बट जो आपने चीज सीखी है बच्चों वो तो एटलीस्ट 100% हो, ठीक है। इसीलिए नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जैसे इसका आएगा तो 2,3, अब ये सब्टुएंट है तो क्या आएगा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, क्या आएगा 2,3 डाइव। अब टार्ट्रिक एसिड कई बार लिख के नहीं देते, टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी देते हैं, तो आप तो कहेंगे हमने तो टार्ट्रिक एसिड सुना, ये आईयूपीएसी क्यों दे दिया, तो भाई कंपटीशन है, ठीक है बच्चों, कंपटीशन है। तो उसके अंदर आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। कॉलेज सिलेबस नहीं है कि सिलेबस से बाहर आ गया, इसमें तो बच्चों बिल्कुल एक लिमिट बियॉन्ड एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखो ये वाला तो क्या आएगा 2.3 डाइहाइड्रोक्सी, 2.3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1.4 डाइओइक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नाम हो गया बच्चों, टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नाम हो गया। तो इसीलिए मेरा जो यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाकई जेईई नीट में बहुत अच्छी रैंक के साथ जाना है तो उसका सिंपल एक मंत्र है, एक ही फॉर्मूला है कि जो चीज आपने सीखी है उसमें फिर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एवरीथिंग उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल कंसेप्ट है बच्चों, अगर वो कंसेप्ट लॉक है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी रैंक से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में अपने 700 रैंक तक भी बच्चे आए, तो उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको यही सिखाया बच्चों कि यू मस्ट नो द कंसेप्ट, ठीक है। और उस कंसेप्ट में पॉसिबल डायरेक्शंस क्या क्या, कुछ खुद सोचो, इवन जो ऑप्शन रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है। जिस दिन आपको ये बार्गेनिंग करना आ जाएगा कि आपका जो फोर ऑप्शन है उसमें वो राइट वाला राइट क्यों है और रॉन्ग वाला रॉन्ग क्यों है, अगर ये जजमेंट आप करना सीख लेंगे तो आप चाहे जेई हो चाहे नीट हो और बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन गलत है ही नहीं,
ठीक है, इतना चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यू कैन इजीली सेलेक्ट बच्चों। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यही एंड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट फिर अगला क्लास, ओके, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं अपन नए कंप्यूटराइज्ड रियोमर्स के साथ में। थैंक यू।